कहा था कि क्या उस दौरान बंदी होती है। ठीक है, अगर बंदी होती हर साल जुलूस निकलता है, इस साल भी निकलता है, तो ठीक है, मिलजुल का जुलूस होना चाहिए, भाईचारे की सबूत देना चाहिए। जो प्रोग्राम हो रहा है, हम लोग हर साल स्वागत करते हैं और इसकी शुरुआत हमारे राज्य निगम चाचा जी ने की थी और आज उन्हीं के घर के आसपास जो नाला है, ये यादव जी खुद जानते हैं, झूठ मैं बोल रहा हूँ, कितनी गंदगी है, मतलब उनकी शुरुआत। उसके बाद में मैं आया, इस बार पहली बार मैं शिवारत में रहूँगा। फिलहाल मैंने जानकर, जैसा कि आपने अभी ये चिंता व्यक्त की बड़े एवं यहाँ उपस्थित अन्य सब नागरिकों, जैसा कि आप अभी काफ़ी चर्चा हो चुकी है शिव यात्रा पर, तो मुझे भी वाकई नहीं पता था कि इतना विशाल जनसमूह इसमें इकट्ठा होता है और इतने भाईचारे के साथ ये यात्रा निकलती है। कल ही मुझे पता चला कि हमारे मुस्लिम भाई भी उसमें माल्यार्पण करते हैं। सच में ये अनोखी यात्रा है और बहुत अच्छा लगा जानकर, जैसा कि आपने अभी एक चिंता व्यक्त की बड़े नाले, बड़े चौराहे के नाले की, तो हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि इस शिव यात्रा में इसका कुछ उद्धार हो जाए। आपने कहा कि हम लोग जो स्टेशन रोड वाली जो मार्केट से हम लोग निकले तो वहाँ वाकई बहुत इंक्रोचमेंट है, लेकिन जो उसको हटाने की बात है वो तो आफ्टर इलेक्शन ही उस पर कुछ विचार किया जा सकता है, लेकिन अभी ये है कि अभी हमें सबसे पहले शिव यात्रा पे फोकस करना है, वो अच्छे से निकले, आने मुद्दों का अगर हो जाएगी। मैंने देखा तो लटके हुए हैं, तो ये एक्सिल साहब रहे हाइडर, उन्होंने कहा कि ठीक लूज है जो ठीक करवा लिया जाएगा, इसीलिए हाइट पूछी जा रही थी आपकी, लगभग हाइट उसकी कितनी होगी। अगर उसकी हाइट ज़्यादा है तब तो फिर उसको थोड़ा सा और केयर करनी पड़ेगी, लेकिन अगर सामान जैसे 15-16 फीट है। अभी तो 15-16 होता है, जब 20 हो गाँव है या कोई गड्ढा वड्ढा है उसको ठीक करवा दिया जाएगा, पैच वर्क कंप्लीट हो जाएगा, प्लस जो नाला है नाली है उसको साफ सफाई का भी साफ है उसके पास चार। तो आप सभी से बस सहयोग चाहिए, मंगलमय यात्रा हो और उसमें जन समूह जो आ रहा है उसकी हम लोग पूरी बहुत अच्छे से उसका स्वागत करें।